प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। यहां से उनका राज के दौरा शुरू हो गया है। बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आज तीसरा दिन है। वैसे पीएम मोदी के वॉशिंगटन पहुंचने पर भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय गानों की धुनें बजाई गई। जब पीएम मोदी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो वहां हजारों की तादाद में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वे ढोल बजाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। बता दें कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ बैठकें भी की है। वहीं 21 जून को पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे और वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर में पीएम मोदी भी शामिल हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ संगीत का भी आनंद लिया। और इसी दौरान व्हाइट हाउस में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहे। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने उपहार भी दिया है। वह इस उपहार में स्वरूप लैब में विकसित 7.5 कैरेट के हरे रंग की हीरे की अंगूठी है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है। और बता दें कि इस बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति है और मूर्ति को कोलकाता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के एक परिवार द्वारा हाथ से बनाई हुई है। वैसे आपको बता दें कि इसी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत की एक हाथ से लिखी हुई प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गैली भेंट भी दी है। वैसे आपको बता दें कि अब पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए उपहार की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।